कर रहे हैं कि 3S शराबबंदी सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये 3 आखिरी कील है नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में, सिरे से इनको साफ कर देगा। कर रहे हैं कि 3S शराबबंदी सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये 3 आखिरी कील है नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में, ये सिरे से इनको साफ कर देगा। ये जो सर्वे शुरू कराया है हर अंचल में, लोग बता रहे खतियान निकालने के लिए, अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को 5,000 रुपया लग रहा है। जब से सर्वे शुरू हुआ है प्रखंड के स्तर पर लोग बता रहे हैं कि 50 लाख से 1,01,00,000 रुपया की वसूली हो चुकी। शराबबंदी का यही हालत है, हर प्रखंड से करोड़ों रुपया शराब माफिया और भ्रष्टाचार कमा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर में गरीब के गले को दबाकर उसके घर में कहा जा रहा है तुम अंधेरे में रहो लेकिन स्मार्ट मीटर स्वीकार करो। ये 3S नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत का 3 कील है जो इनको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अभी रोके हैं ना सर्वे, दम है तो जरा सर्वे करके दिखा ले। हमने सबसे पहले कहा कि 6 महीने में घर घर में झगड़ा होगा, गांव में गोली चलेगी। ये आदमी सर्वे भूमि सुधार नहीं है। जब लैंड का रिकॉर्ड कहीं आपके पास नहीं है तो आप लोगों से क्यों मांग रहे हैं कि वंशावली बना के लाओ। सरकार के पास खुद लैंड का रिकॉर्ड नहीं है, रजिस्टर 2 कॉम्प्रोमाइज है, उसमें हेर फेर हुई है, उसको फाड़ दिया गया, उसमें घोटाला किया गया, पैसा लेकर आपके नाम कर दूसरा नाम कर दिया। अनीता कुमारी है तो कुमारी में मौ पर इंक गिरा दिया, डिस्प्यूट खड़ा हो गया। तो जब सरकार को खुद नहीं पता है कि किस जमीन का मालिक कौन है तो कैसे लोग ये प्रमाणित करेंगे कि यह जमीन उनका है। 2005 से जब से NDA बना है उसके बाद से RJD की कोई ताकत रही नहीं है। 2005 से आप आगे का इलेक्शन का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए तो RJD को कभी, RJD या उनके द्वारा बनाए गए गठबंधन को कभी जीत नहीं मिली है। महागठबंधन का एक अपवाद छोड़ दिए जिसमें हम लोगों ने मदद की थी, उसमें भी RJD जूनियर पार्टनर ही था। नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, RJD के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। और अभी का लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, इस लोकसभा चुनाव में 176 विधानसभा में भाजपा और NDA को बढ़त है। तो हमारा अगर मुकाबला है तो जो 176 में आगे है उससे मुकाबला होगा कि जो 50 सीट में आगे है उससे मुकाबला होगा। तो ये तो हमारे आकलन का विषय नहीं है, ये तो फैक्ट है। किसने कह दिया आपको? भाई भाई ऐसा है, अब अपने हिसाब से कहिएगा लोकसभा में कितना सीट है RJD को। 2014 में RJD को 5 से कम सीट था, 2014 में 0 सीट था, 2019 में 4 सीट मिला। और आप लोग बता रहे हैं बाप रे कितना बड़ा दल है RJD। RJD एक बात ध्यान रखिए आप लोग, RJD अपने दम पर, लालू जी बहुत बड़े नेता हैं लेकिन लालू जी अपने दम पर बिहार जीवन में सिर्फ एक ही बार जीते हैं। दोबारा बिहार की जनता ने लालू जी को बहुमत नहीं दिया है। तो एक बड़ा दल का ढोंगा बिहार के दूसरे कोने में जाकर बताइएगा, हमको मत समझाइए कितना उनको दम है वो हमको मालूम है। और वो दम का आधार क्या है? दम का आधार यह है 18% मुसलमान, जिसको आप 20 बरस से डरा रहे हैं कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी। आपने मुसलमानों के लिए किया कुछ नहीं, उसको भागीदारी नहीं दी, उसको हिस्सेदारी नहीं दी, उनके बच्चों के पढ़ाई की चिंता नहीं की, उनको लालटेन में किरासन तेल बनाकर जला रहे हो, रोशनी अपने घर में कर रहे हो। उसको अगर हटा दीजिएगा तो कितने लोग बिहार के हैं जो RJD के समर्थन में, आप बता दीजिए, आपको ज़्यादा जानकारी है।